आमिर खान 6 साल बाद अपने पुराने घर में शिफ्ट होने का निर्णय ले लिया है। फिलहाल आमिर अभी तक मुंबई के क्वार्टर रोड स्थित अपने मकान में रह रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर ने क्वार्टर रोड वाले मकान में 2 फ्लोर को किराए पर लिया हुआ था। अब खबरों की माने तो अपने बीबी और बच्चों सहित अपने पुराने घर में वापस शिफ्ट होने जा रहे हैं। आमिर खान का पुराना मकान पाली हिल एरिया में मौजूद मरीना अपार्टमेंट्स में था। मरीना अपार्टमेंट्स में आमिर खान के शिफ्ट होने के पीछे कई कारण सामने आए हैं। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान के घर फ्रीडा वन की लीज जल्द ही खत्म होने जा रही है, जिसके चलते उन्होंने अपने इस घर को रेन्यू नहीं कराने का फैसला ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, आमिर खान काफी वक्त से अपने पुराने घर मरीना अपार्टमेंट्स में जाने का प्लान बना रहे थे। यही वजह है कि आमिर ने अपने घर की रेनोवेशन भी करा ली है। अब एक बार फिर आमिर खान 6 साल बाद अपने पुराने मकान में वापस जाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाली हिल एरिया में मौजूद मरीना अपार्टमेंट्स के अपने मकान से आमिर खान का काफी लगाव रहा है। इसी वजह से यह भी माना जा रहा है कि उन्होंने एक बार फिर अपने पुराने मकान में वापस जाने का फैसला किया है। किरण राव घर के नवीनीकरण का खास ख्याल रख रही हैं और इस बात पर फोकस कर रही हैं कि उनके घर भी थीम नेचर से प्रभावित होनी चाहिए। इन्हीं सब कारणों को देखकर वह पाली हिल में शिफ्ट होने के लिए मन बना लिया है। अब आमिर खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही अपनी लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगे। बता दें, उनकी यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का रिमेक है। फॉरेस्ट गम एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है।